अन्योन्य रोमन मन्ना सब पंगा वायो। दोस्तों पता नहीं हमारे बांगतन बॉयज को किसकी नजर लग गई है, जो एक के बाद एक हमें कोई ना कोई सैड न्यूज मिल रही है। दोस्तों अगर आप BTS की हर न्यूज से अपडेटेड रहते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कल शाम से सोशल मीडिया पर गेट वेल सून भी ट्रेंड कर रहा है। साथ ही आप सभी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कल बिगेट एंटरटेनमेंट ने व्यूवर्स ऐप पर अनाउंस करते हुए कहा कि BTS मेंबर वी को कोविड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे फेवरेट मेंबर वी की तबीयत खराब हो गई है। अगर डिटेल में बात करें तो अभी ग्लोबल आर्मी जिमिन के हेल्थ इश्यू को लेकर ही काफी परेशान थी। क्या बिगेट एंटरटेनमेंट ने अनाउंस करते हुए कहा कि BTS मेंबर वी को 2 दिन से कोल्ड कफ और माइल्ड फीवर फील हो रहा था, जिसके बाद कल 15 फेब को वी ने अपना PCR टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। कंपनी ने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही सभी बांगतन मेंबर्स मिले थे, जहां उन्होंने मास्क भी वियर किया था, साथ ही डिस्टेंस भी मेंटेन की थी। लेकिन कंपनी ने कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अदर मेंबर्स को भी अपना PCR टेस्ट कराने को कहा है। कंपनी ने आगे कहा कि सभी मेंबर्स को डबल डोज वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, जिसके बाद भी BTS मेंबर्स का कोविड पॉजिटिव आना काफी हैरान कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि वी को माइल्ड फीवर और कोल्ड के अलावा कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स नहीं है, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि कंपनी ने इस बात को भी क्लियर करते हुए कहा कि वी अभी अपने घर पर ही रहते हुए ट्रीटमेंट लेंगे और कंपनी भी इस बात का ध्यान रखेगी कि उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। इसलिए आगे आने वाले टाइम में कंपनी को किसी भी तरह के चेंजेस करने भी पड़े तो वे क्विकली उन चेंजेस को फॉलो करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि जब से बांगतन मेंबर्स अपने वैकेशन पर गए हैं, तब से जेन, RM, शुगा और जिमिन को कोविड हो चुका है, जिसमें जिमिन की अपेंडिटाइटिस सर्जरी भी की जा चुकी है और लास्ट वीक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। और जब से वी के कोविड पॉजिटिव आने की न्यूज वायरल हुई है, तब से ग्लोबल आर्मी काफी परेशान है और जल्द से जल्द वी के ठीक होने की प्रेयर कर रही है। और हम भी अपनी के ड्रामा दोस्त फैमिली की तरफ से वी के जल्द से जल्द ठीक होने की विश करेंगे। और दोस्तों मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि बाकी मेंबर्स की ही तरह तेते को भी बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और जल्द से जल्द वे ठीक हो जाएंगे। और हम भी वेट करेंगे तेते के अपडेट आने का, क्योंकि वी जानते हैं कि BTS आर्मी उनके लिए काफी वरीड होगी और जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही आपकी ओनी वी की हर न्यूज से आपको अपडेट कर देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड द मेथो बायो।